गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ गए? हाँ तो स्टार्ट करें हमारा फर्स्ट क्विज, 11th लिविंग वर्ल्ड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आ रिवर्सिबल इंक्रीज इन बॉडी मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ सीम प्लास्टिक मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, बी इंट्रिंसिक ग्रोथ, सी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और डी ऑल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग देमसेल्फ, ई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें से करेक्ट वन कौन कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन है चार, कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन आप दीजिए। आपको हर क्वेश्चन के लिए एक मिनट का समय दिया जाएगा। किसी ने आंसर नहीं दिया, आपको उसी चैट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। ईशा दत्ता ने सेकेंड ऑप्शन दिया। ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लाइफ इज, फर्स्ट एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, second ability to sense environment and respond to it, third ability to increase in mass and in number of individual, या fourth both 2 and 3। ये चारों ऑप्शन में से आपको आंसर सेलेक्ट करने हैं, वही चैट बॉक्स में आपको ये आंसर देने हैं। The most obvious and technically complicated feature of life is the four। बाकी लोग भी अपना आंसर दे। चलिए देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। आंसर टू इज करेक्ट, यानी मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लाइफ इज एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्ड टू इट। तो आंसर टू इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैच द फॉलोइंग है, हाउ मेनी फीचर लिस्टेड बिलो आर एग्जिबिटेड बाय फ्लैटवर्म ए एंड बैक्टीरिया बी। तो इसमें मैचिंग करना है और ऑप्शन में जवाब देना है। हाउ मेनी फीचर लिस्टेड बिलो आर एग्जिबिटेड बाय फ्लैट वर्म ए फ्लैट बैक्टीरिया बी। ऑप्शन है ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास ओनली, सेकेंड रीजनरेशन, थर्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस, फोर्थ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, फिफ्थ है बाइनरी फ्यूजन। तो इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे वो आपको बताना है। फ्लैटवर्म के रिस्पेक्ट में कौन सा है और बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आंसर टू वन और टू में ही देना है, ए फॉर फ्लैटवर्म और बी फॉर बैक्टीरिया। ओके चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आंसर टू इज करेक्ट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट दी ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू दी टैक्सा बिलोंगिंग टू दी सेम कैटेगरी, सोलेनम, पैंथरा, फैलिडे, कैनिडी। सेकेंड ऑप्शन है कैनिडी, मोस्केडी, पोएसी, थर्ड ऑप्शन मैंगो, वीट, कैट एंड फोर्थ मोनोकॉटिलेडन, मैमेलिया एंड इंसेक्टा। सेलेक्ट दी ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू दी टैक्सा बिलोंगिंग टू दी सेम कैटेगरी। इसका आपको जवाब देना है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन वन इज करेक्ट। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन वन दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जीनस comprises a group of related species which has blank character in a common in comparison to a species of blank. So, ye fill in the blanks ka question hai. Pehla option hai less and other genera. Second option hai more other order. Third option hai more or other genera. Fourth hai more other family. Iska jawab dena hai. टाइम अप। चलिए इसका जवाब हम लोग देखते हैं। ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। जिन लोगों ने भी ऑप्शन थ्री दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्लांट फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए शेप एंड कलर ऑफ लीफ ओनली, बी वेजिटेटिव कैरेक्टर, सी रिप्रोडक्टिव फीचर। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से? पहला ओनली ए, दूसरा ओनली बी, तीसरा ओनली सी, या फोर्थ वन बोथ बी एंड सी? सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा, चैट बॉक्स में आपका जवाब रजिस्टर होना चाहिए। और लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। ऑप्शन फोर है बोथ बी एंड सी। चलिए इसका जवाब देखते हैं हम लोग, सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पॉलीमोनियल्स एंड पोल्स बिलोंग टू दी फर्स्ट ऑप्शन सेम क्लास एंड डिवीजन, सेकेंड ऑप्शन डिफरेंट क्लास एंड डिवीजन, थर्ड ऑप्शन सेम क्लास एंड डिफरेंट डिवीजन, फोर्थ डिफरेंट क्लास बट सेम डिवीजन। Polynomials and poles belongs to first same class and division, second different class and division, third same class and different division, and fourth different class but same division. इसमें से सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स दैट हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पेसिमेन ऑन सीट फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस, फर्स्ट हर्बेरिया, सेकेंड म्यूजियम, थर्ड बोटैनिकल गार्डन, या फोर्थ बोथ टू एंड थ्री? टाइम अप। चलिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन वन इज करेक्ट। जिन लोगों का भी ऑप्शन वन रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द सेट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, फर्स्ट मोनोग्राफ, सेकेंड फ्लोरा, थर्ड कैटालॉग्स, या फोर्थ की?
तो लाइक और शेयर भी करते चलिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। टाइम अप हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर। चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर फ्रॉम गिवन बिलो। ये आपका चार ऑप्शन है, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है वो आप देखो और उसका सही जवाब दो। ऑप्शन आंसर थ्री, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट मैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर फर्स्ट डायएटम एंड बैक्टीरिया, सेकंड क्लोरेला एंड अमीबा, थर्ड लिवर वॉर्ट्स एंड मॉसेस एंड फॉन्स, फोर्थ प्रोटोजोवा इनवर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, किसके लिए? चार ऑप्शन है, डायटम और बैक्टीरिया के लिए, क्लोरेला एंड अमीबा के लिए, या थर्ड लीवर वॉर्ट और मॉसेस और फर्न्स के लिए, या फोर्थ ऑप्शन प्रोटोजोवा इनवर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स के लिए। टाइम अप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री लीवर वॉट मॉस एंड फॉन्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम एंड इट रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सपोर्ट ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारा ए स्टेटमेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, बी स्टेटमेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनल अराइज फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल, या सी है प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए बी एंड सी, सेकेंड ऑप्शन है ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन है बी एंड सी और फोर्थ ऑप्शन है ओनली सी। इसमें से कौन सा सही जवाब होगा आप लोग जवाब दीजिए। आंसर फोर यानी ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारा अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एंड सेलेक्ट फीचर ऑफ ए बैक्टीरिया और बी ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो हमारा पहला है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एज इंक्लूसिव इवेंट, दी इंट्रेंसिक ग्रोथ, दी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डी टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या ई सेल्फ कॉन्शियस। तो हमको ए और बी के रिस्पेक्ट में जवाब देना है। तो ए बी सी बी डी ई, पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में से
कौन सा प्रॉपर्टीज जो होंगे सेलेक्ट फीचर फॉर बैक्टीरिया एंड द ह्यूमन बींग्स? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन फर्स्ट ICZN, सेकेंड ICNB, थर्ड ICBN या फोर्थ ICVCN। क्या हो सकता है और ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बाइनोमियल एपिथेट फॉर मैंगो? फर्स्ट मैंगीफेरा इंडिका, सेकंड मैंगीफेरा इंडिका लिनियस, थर्ड मैंगीफेरा इंडिका लिनियस या फोर्थ मैंगीफेरा इंडिका। राइटिंग पैटर्न पे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। ऑप्शन टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सा लाइक स्वीट पोटैटो एंड मैंगो आर प्लेस्ड इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की इन द फर्स्ट डिफरेंट ऑर्डर बट सेम क्लास एंड फाइलम, सेकंड डिफरेंट ऑर्डर बट सेम क्लास एंड डिवीजन, थर्ड सेम क्लास एंड ऑर्डर बट डिफरेंट फैमिली, फोर्थ डिफरेंट क्लास बट सेम डिवीजन। टैक्सा लाइक स्वीट पोटैटो एंड मैंगो आर प्लेस्ड इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की इन द फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट ऑर्डर्स बट सेम क्लास एंड फाइलम, सेकेंड ऑप्शन है डिफरेंट ऑर्डर्स बट सेम क्लास एंड डिवीजन, थर्ड ऑप्शन है सेम क्लास एंड ऑर्डर बट डिफरेंट फैमिली एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिफरेंट क्लास बट सेम। देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जीनस। फर्स्ट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज,
Second, I has one or more than one species representing monotypic or polytypic species condition. A third one has more character in common in comparison to a species of other genera. The fourth, aggregates of related and unrelated species. इसमें सही जवाब क्या हो सकता है आप दो? चलिए देखते हैं सही जवाब क्या हो सकता है इसका। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलेनम, चुनिया एंड दतुरा आर प्लेस्ड इन नेक्स्ट हायर कैटेगरी ए ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ए पहला ऑप्शन है जेनस, बी वेजिटेटिव, दूसरा है फैमिली रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव, तीसरा है जीनस रिप्रोडक्टिव, या फोर्थ है ए फैमिली बी वेजिटेटिव ओनली। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन टू इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमनिडे इज इक्वेलेंट टू विच कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ मैंगो। ऑप्शन चार है, चार ऑप्शन में से कौन सा होगा ये सेलेक्ट कीजिए। करेक्ट एक्सप्लेन करेक्ट जवाब चैट बॉक्स में रजिस्टर कीजिए। देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री, करेक्ट। नेक्स्ट, द कैटेगरी विथ रिलेटेड ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट ओमनिडे एंड आर्थ्रोपोडा, सेकंड पॉलीमोनियल्स एंड पॉल्स, थर्ड डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स, या फोर्थ डिप्टेरा एंड म्यूसिकेड। का सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन थ्री करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
greater is the difficulty of determining the relation to other taxa at the same level. First, subcategories, second, lower categories, third, lowest categories, and fourth, categories. Option 4 is correct. Next question. How many procedures and techniques are developed to store and preserve the specimen for future study? Herbarium, zoos, museum, flora, botanical garden, and manuals. So, they say, kitne procedure or technique jo hai wo store or preserve स्पेसिमेन को फ्यूचर स्टडी के लिए. हमारा ऑप्शन है पहला 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4 और फोर्थ है 5. सही जवाब चूज. सही जवाब है ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी. आपका चार ऑप्शन है, ठीक है, चार ऑप्शन में से कौन सा होगा सही. चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. आप लोग लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिएगा. ताकि और लोग भी हों जो कि इसका फायदा उठा सके. क्योंकि जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं. और वो क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से क्लासरूम में हो चुका है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. एक्सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ऑफ लाइव स्पेसिमेन वेयर ईच स्पेसिमेन इज लेबल इंडिकेटिंग इट साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली. फर्स्ट म्यूजियम, सेकेंड बॉटेनिकल गार्डन, थर्ड मोनोग्राफ या फोर्थ. एक्स सी टू की बात कर तो समझ के इसका जवाब आप लोग चैट बॉक्स में दीजिए.
सही जवाब है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक नेम ऑफ इलोथ्रिक्स एंड फ्लैट वॉर्म हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय इसके थ्रू, आईसीबी, आईसीबीएन, आईसीजे, आईसीएनएस, आईसीबी। जवाब हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी डू नॉट डील विथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल, या सी इंटरनल स्ट्रक्चर, या डी फाइलोजेनी, या ई जेनी, या एफ कीमोथेरेपी कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमारा पहला ऑप्शन है डी एंड एफ, सेकंड ऑप्शन है बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन है ए एंड सी, फोर्थ ऑप्शन है सी। सही जवाब इसका देखते हैं सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन वन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट में आप देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सा एंड सेलेक्ट हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिलोंग टू द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। चिली, लायन, डाइकॉट, एनिमल, मैंगो, टैटो, पॉलीमोन, कैट, ऐसे कौन हायरार्की लोएस्ट कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एक्ट पिटोनिया मैंगीफेरा आर प्लेस्ड इन,
Option 4 is correct. Next, systematic differ from taxonomy in considering option 1, identification, second, nomenclature, third, phylogeny, fourth, classification. Option 3 is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसिस फाउंड इन एन एरिया इज मेंशन इन फर्स्ट मैनुअल्स, सेकंड फ्लोरा, थर्ड मोनोग्राफ या फोर्थ कैटलॉग. सही जवाब है ऑप्शन 1 इज करेक्ट. तो आज का ये हमारा क्विज रहा 30 क्वेश्चंस का. आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा रहा, ताकि और भी हम बेहतर करने की. थैंक यू ऑल ऑफ यू.